नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आर आर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इन्फाइनाइट सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं और इस पर देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर पहले क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूं, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन, एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि साहब रूट टू स्क्वायर रूट ऑफ टू, और इसी तरीके से यहाँ पर साइन लग रखा है इन्फाइनाइट का। इसका मतलब क्या है कि ये टू 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 आता ही जाएगा साहब इन्फाइनाइट टाइम्स। तो इसका आंसर आपने याद भी कर रखा होगा कि सर यहाँ जो नंबर आता है वही आंसर आता है, ठीक है। और ये बिल्कुल सही भी बात है, यही आंसर आएगा जो नंबर यहाँ पर है। अब लेकिन आया कहाँ से? इन्फाइनाइट सीरीज सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि मान लीजिए मैंने एक्स के इक्वल में मान लिया कि एक्स इक्वल टू ये नंबर रहा होगा, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू ये नंबर रहा होगा मतलब मेरे को एक्स का वैल्यू ही निकालना है। अब आप चाहें तो एक काम ऐसा कर सकते हैं कि भाई साहब देखो यहाँ से रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है सीरीज़ का, रूट टू, और यहाँ से वापस रूट आ गया मतलब ये रिपीट हो रही है यहाँ से सीरीज़, और रिपीट हो रही है, और ये टर्म्स कितनी है? इन्फाइनाइट। अगर इन्फाइनाइट टर्म्स में से अगर मैं एक टर्म अलग भी कर लूँ तो भी उस रिजल्ट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। समुद्र में से अगर आप एक लोटा पानी भर लें तो समुद्र खाली नहीं हो जाता है ना। तो अगर ये इन्फाइनाइट टर्म्स है इसमें से अगर आप एक टर्म गायब भी कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो बाकी बचा है इसको भी मैं एक्स बोल सकता हूँ। तो मैं अगर इसको वापस लिखता हूँ एक्स इक्वल टू रूट टू, और इस बाकी वाले को वापस क्या लिख देता हूँ साहब कि ये एक्स ही रहा होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स, एक एक्स एक्स काट दीजिए साहब, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो यही आपका आंसर आ रहा था इसका, और ये 100% आप अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि अगर सीरीज़ के अंदर कोई भी साइन नहीं है मतलब साइन नहीं होता है तो आप गुणा का साइन एज्यूम करते हैं, तो गुणा के साइन की इन्फाइनाइट सीरीज दे रखी है तो वही नंबर आपका आंसर आ जाएगा जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया होता 7, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसमें आंसर आ जाएगा आपका क्या? 7। जो नंबर यहाँ पर दे रखा है वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ये है आपका इन्फाइनाइट, और क्वेश्चन नंबर 2 इसी क्वेश्चन के अंदर मैं साइन लगा रहा हूं माइनस का। ये दो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने, मान लीजिए। तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले मैंने आपको बोला इन्फाइनाइट सीरीज सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं कि साहब एक्स के इक्वल में मान लीजिए और जहाँ से रिपीटेशन होगा वापस एक्स लिख देंगे। तो क्या करूँगा, मैंने मान लिया इसको एक्स के इक्वल में ये रहा होगा 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस इन्फाइनाइट। अब आप जानते हैं कि यहाँ से अगर रिपीटेशन हो रहा है तो इसको आप वापस एक्स पुट कर सकते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साहब 6 प्लस एक्स। दोनों साइड स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस एक्स, और इन दोनों को इस साइड शिफ्ट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके आपके पास होते हैं, अगर आप फैक्टर कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है, और फैक्टर नहीं कर सकते हैं तो दूसरा होता है आपका श्री धराचार्य सूत्र जो आप पढ़ते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब अगर फिलहाल मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, इसके आप फैक्टर करेंगे, आपको मल्टीप्लाई में लेकर आना माइनस 6। तो माइनस 6 लाने के लिए आप दो फैक्टर ले सकते हैं, माइनस 3 और प्लस 2, ये आपके दो फैक्टर हो गए। तो दो फैक्टर होने पे अब आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फैक्टर आते हैं उसका उल्टा साइन उसका आंसर होता है, यानी x का आंसर क्या आएगा अगर माइनस 3 फैक्टर आया तो एक तो आंसर 3 होगा और एक आंसर क्या आएगा माइनस का 2। लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें माइनस का आंसर आने का तो कोई चांस ही नहीं बनता साहब, क्योंकि पहली बात तो सारी टर्म्स ऐड हो रही है, तो सारी टर्म्स ऐड हो रही है तो माइनस वाला तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, आप ये भी बोल सकते हैं कि सर x एक ऐसी संख्या है जो रूट के अंदर दे रखी है तो फिर नेगेटिव वो कभी हो नहीं सकती, आपका आंसर क्या रहेगा 3। तो आपका आंसर आ गया 3। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे सिमिलरली सेम टू सेम, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ रूट 6 माइनस एक्स, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो आपको ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर आप क्या लेंगे, प्लस का 3 और माइनस का 2, और यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका माइनस 3 एंड प्लस 2। माइनस का आंसर फिर से आपका नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बोला ना ये एक ऐसा रिजल्ट है जो रूट के अंदर है तो उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए आपका आंसर अब भी क्या रहेगा प्लस का 2। इसका एक डायरेक्ट तरीका भी होता है आपके पास कि आपको अगर कोई नंबर दे रखा है, जैसा क्वेश्चन आपका ये था
तो आप क्या करेंगे इस टाइप की सीरीज में कि जो भी नंबर दे रखा है उसके दो कंटिन्यूस आप फैक्टर करेंगे, ऐसे दो फैक्टर करें जो लगातार हो, लगातार संख्याएं हो। तो ऐसी कोई दो संख्याएं जो इस गुणा करने पे 6 आ जाए तो आप बोलेंगे सर ये तो होता है 2 × 3, ठीक है। अब अगर सीरीज में प्लस का साइन लगा हुआ है तब तो आपका आंसर बड़े वाला फैक्टर हो जाएगा, और सीरीज के अंदर अगर माइनस वाला साइन लगा हुआ है तो आपका आंसर छोटे वाला फैक्टर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्लस वाले के अंदर आंसर आया था 3 और माइनस वाले के अंदर आंसर आ रहा था 2, ठीक है। दूसरी बात, मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन ये हो गया √12, ये दे दिया कि सर इसका आंसर बताइए, तो आप बोलेंगे 12 के 2 लगातार फैक्टर होते हैं 3 × 4, अगर सीरीज में प्लस का साइन है तो आपका आंसर हो जाएगा 4। अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से ऐसे लिख दूं √12 − √12 − √12 इन्फाइनाइट टाइम्स, तो आप अब भी इसके दो लगातार फैक्टर करेंगे और लेकिन अब आपका आंसर क्या होगा, छोटा वाला फैक्टर, छोटा वाला फैक्टर इसलिए क्योंकि सीरीज में है माइनस का आंसर। अब लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि सर मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता, अब बताओ सर आंसर, क्योंकि अब तो फैक्टर ही नहीं हो रहा। तो अगर फैक्टर नहीं हो रहा तो फिर तरीका तो ये था आपका x मान के सॉल्व करने का, आप चाहो तो इसका एक फॉर्मूला याद कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या आएगा, √4x + 1 + −1/2, ये आपका आंसर रहेगा हमेशा और हमेशा। अब प्लस माइनस वन का क्या मतलब है कि अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है, दो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, ये दो इन्फाइनाइट सीरीज दे रखी है, तो अगर आपको प्लस वाली सीरीज दे रखी है तब तो यहाँ प्लस ले लेंगे और माइनस वाली सीरीज दे रखी है तो माइनस ले लेंगे। एक बार के लिए इससे सेटिस्फाई करके देखते हैं कि आपका आंसर आता है कि नहीं आता। मान लो 6 रखें आप x की जगह, तो 6 × 4 = 24 + 1 = 25, 25 का रूट कितना होता है साहब, 5, सीरीज के अंदर साइन माइनस का है तो 5 − 1 यानी हो गया 4, और 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2, और आपका आंसर वही तो आ रहा था साहब, 2 देख लो, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान लो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे निकालना है तो मैं आंसर क्या बोलूंगा कि सर आंसर होगा 7 रखेंगे तो 7 × 4 = 28 और 1 = 29, यानी √29, सीरीज में माइनस है तो −1/2, और इसका आंसर आप क्या बोलेंगे सर, बस कोई फर्क नहीं आएगा, √29 + 1/2। तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं प्लस और माइनस वाली सीरीज के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं हम, अगर नंबर के दो लगातार फैक्टर हो रहे हैं तो आप फिर फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं है, सीरीज में प्लस का साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर, और सीरीज में अगर माइनस का साइन है तो छोटे वाला फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, मान लीजिए आपको दो इस तरह की सीरीज दे रखी है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सेम टाइप का, ये दो क्वेश्चन है, मतलब ये बढ़ता ही जा रहा है नीचे नीचे, इन्फाइनाइट टर्म्स है, फिर से यहाँ से सॉल्व करने का अगर तरीके से करेंगे तो फिर से आपका वही तरीका होगा कि साहब इसको x के इक्वल मान लिया, जहाँ से रिपीटेशन होगा वहाँ पे वापस x, अब देखो वापस 6 आ गया ना, जो ओरिजिनल टर्म था वही वापस रिपीट हो रहा है, यानी इसको लिख दो x, अगर इसको इधर लेकर जाके मल्टीप्लाई करें तो x² + x − 6 = 0, और इसके अपन करेंगे दो फैक्टर फिर से, तो दो फैक्टर क्या आएंगे सर, प्लस का 3 और माइनस का 2, ये दो फैक्टर आ गए, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक तो आएगा −3 और एक आएगा +2। अब नेगेटिव आंसर फिर से इसका नहीं हो सकता क्योंकि ये हालांकि डिवाइड में है आप बोल सकते हैं, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव तो नहीं होंगे ना साहब, चीजें जुड़ती जा रही है तो जुड़ने पे कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, आप सारे पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो डिवाइड में भले ही कितना ही बढ़ जाए लेकिन छोटा नंबर हो सकता है रिजल्ट, पर ऐसा तो नहीं होगा कि नेगेटिव ही आ जाए, तो आपका आंसर नेगेटिव वाला तो अब भी नहीं होगा, आपका आंसर क्या रहेगा, +2, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा साहब डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसका वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऐसी कोई सीरीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है सर, यहाँ पर भी करके दिखाओ इस तरीके से, तो मान लीजिए मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखें इसको एक्स मान लिया, x = 6/1 − यहाँ से वापस रिपीट हो रहा है, आप इसको लिख देंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें साहब x − x² = 6, और अगर इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो x² − x + 6 = 0। अब अगर आप इसके दो फैक्टर करने की कोशिश करें जिसको गुणा करने पे प्लस का 6 आ जाए, तो प्लस का 6 तो तभी आएगा जब या तो −3 और −2 लें दोनों, या फिर +3 और +2 लें, लेकिन फिर उससे −x नहीं आएगा कहीं भी,
तो फैक्टर नहीं हो रहे। चलिए कोई बात नहीं सर, फैक्टर नहीं होते हैं तो अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्री धराचार्य सूत्र वो तो होता है आपके पास, वो लगा देते हैं। क्या होता है श्री धराचार्य सूत्र, एक बार के लिए मैं लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। चलिए लगाते हैं, माइनस बी, बी ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ लिख देंगे वन, प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा वन, और माइनस फोर ए तो है वन और सी है छः, तो चार इंटू एक इंटू छः कितना हो गया साहब चौबीस बट्टे टू ए, ए का वैल्यू वन ही है इसलिए टू लिख रहा हूँ। तो अब आप देखिए इस टर्म को ध्यान से देखें, ये क्या आ गया आपके पास वन माइनस ट्वेंटी फोर, यानी रूट के अंदर एक नेगेटिव की टर्म आ रही है, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म आ रही है मतलब रियल रूट्स तो इसके आएंगे ही नहीं साहब, ये तो एक इमेजनरी वैल्यू आएगी, इसलिए ही आप इसका आंसर क्या बोल रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो माइनस के अंदर ये जो डिवाइड वाली सीरीज होती है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस वाली सीरीज एग्जिस्ट करती है, जिसका आंसर दो लगातार फैक्टर्स में से छोटा वाला फैक्टर, और माइनस वाली सीरीज एग्जिस्ट ही नहीं करती साहब। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपकी डिवाइड वाली सीरीज हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक और सीरीज दे दी जाए रूट टू की पावर रूट टू की पावर रूट टू की पावर इनफाइनाइट, इसको सॉल्व करें सर, या दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए क्यूब रूट ऑफ थ्री, क्यूब रूट ऑफ थ्री, क्यूब रूट ऑफ थ्री पावर के अंदर है ये ध्यान रखना, इसको सॉल्व करना है आंसर क्या आएगा। तो सीरीज तो ये पावर में भले ही ऊपर है तो इन्फाइनाइट, तो मैं एक काम करता हूँ इसको x के इक्वल एज्यूम कर लेता हूँ सर, और जहाँ से रिपीट होगी वहाँ वापस x लिख देंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से सर वापस रिपीट हो रही है ऊपर पावर में, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा रूट टू की पावर x इक्वल टू x। अब देखिए इस पावर को अगर इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगी वन अपॉन एक्स, ऐसा क्यों होता है सर, देखो आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर लिखते हो तो एक्स की वैल्यू क्या लिखते हो रूट फोर, रूट फोर का मतलब क्या ये नहीं होता चार की पावर एक बटा दो, तो ये दो पावर जब इधर आती है तो कितनी हो जाती है एक बटा दो, अब ये एक्स पावर इधर आएगी तो कितनी हो जाएगी एक बटा एक्स, यानी आपका आंसर आया सर रूट टू बराबर एक्स की पावर एक बटा एक्स, और रूट टू को आप क्या लिख सकते हैं, रूट टू को आप ऐसे लिख सकते हैं सर दो की पावर एक बटा दो बराबर एक्स की पावर एक बटा एक्स, यानी सर ये तो अगर कंपेयर करें तो एक्स जहाँ लिखा हुआ है वहाँ वहाँ दो लिखा हुआ है, यानी एक्स का आंसर क्या आ गया दो, और एक्स का आंसर दो आने का मतलब इस पूरी सीरीज का आपका आंसर क्या हो गया दो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि इस सीरीज का आंसर क्या आने वाला है तीन, जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है वही आपका आंसर। कैसे, एक बार के लिए प्रूफ कर लेते हैं, मान लो इसके वाई के इक्वल मान लिया तो क्या होगा, यहाँ से रिपीट हो रहा था वापस, तो आप क्या लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ थ्री की पावर वाई इक्वल टू वाई, इस पावर को इधर शिफ्ट करें तो इधर बच गया क्यूब रूट ऑफ थ्री और इधर हो गया वाई की पावर वन अपॉन वाई, ये क्या है साहब तीन की पावर एक बटा तीन और इधर क्या हो गया वाई की पावर एक बटा वाई, तो अब अगर कंपेयर करें तो वाई का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है तीन। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप की सीरीज में देखिए स्क्वायर, यहाँ दो लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट ऑफ टू, यहाँ तीन लिखा हुआ है तो क्यूब रूट ऑफ थ्री, चार लिखा हुआ है तो फोर्थ रूट ऑफ फोर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कोई नंबर दे रखा है तो वही नंबर आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ दे रखा है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ देखिएगा इधर एक बार, मान लीजिए कोई ऐसा नंबर आपको ऐसी सीरीज दे दी जाए अल्टरनेट सीरीज, अल्टरनेट सीरीज का मतलब समझ रहे हैं, आपने अभी ऐसी सीरीज तो खूब पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, लेकिन ये अल्टरनेट एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी ये ना तो प्लस की है ना माइनस की, ध्यान रखना अल्टरनेट सीरीज है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो शुरुआत माइनस से कर रहा हूं, ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है कि यहां शुरुआत प्लस के साइन के साथ की गई है, यहां शुरुआत माइनस के साइन के साथ की गई है। तो सबसे पहले तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, सॉल्ट ट्रिक ये होती है कि साहब आपको जो भी नंबर दे रखा है उसको एक से कम कर दीजिए और इसके दो कंटिन्यूस फैक्टर करिए, तो छः के दो कंटिन्यूस फैक्टर कौन से होते हैं दो गुणा तीन, अगर सीरीज प्लस से स्टार्ट हुई है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर, यहाँ पर भी आप वही करें माइनस वन करें और इसके दो लगातार फैक्टर ये हो गए, सीरीज अगर माइनस से स्टार्ट हो रही है तो आपका आंसर बड़ा छोटा वाला फैक्टर। ठीक है, इसके अलावा इसका एक फॉर्मूला भी रहता है वो भी देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है साहब 4x माइनस थ्री का रूट और प्लस माइनस वन अपॉन टू।
ठीक है। अब इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करें, यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे साहब, सात, ठीक है। तो सात पुट करिए आप, सात इंटू चार अट्ठाईस, अट्ठाईस में से तीन जाएगा कितना हो गया सर, पच्चीस, पच्चीस का स्क्वायर रूट कितना होता है पाँच। अब प्लस एक करेंगे तो छः बटा दो यानी तीन, और माइनस एक करेंगे पाँच में से यानी चार बटा दो, आंसर क्या आ जाएगा दो। यानी सीरीज प्लस से स्टार्ट हो तो प्लस वाला साइन ले लेंगे और सीरीज माइनस से स्टार्ट हो तो माइनस वाला साइन ले लेंगे। अब ये फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसा कह दें कि सर यहाँ पर मान लो 11 आ गया तो हम क्या करेंगे, 11 कैसे, तो एक कम किया तो हो गया 10, अब 10 के तो दो लगातार फैक्टर हो नहीं रहे, तो नहीं हो रहे फैक्टर, तो फिर आपके लिए ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? तो इस तरीके से ये इनफाइनाइट सीरीज भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके सामने, देखिएगा। आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस है तो एफ टू प्लस एफ सिक्स प्लस एफ ट्वेल्व प्लस एफ ट्वेंटी प्लस अप टू हंड्रेड टर्म्स, अप टू हंड्रेड टर्म्स मतलब 100 पदों तक, इसको आपको सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखने में ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है बहुत भयंकर सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसके लिए, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस टाइप की सीरीज आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, याद करो, जब मैंने आपको बोला था कि डिवाइड के अंदर सीरीज आती है तो प्लस वाली के अंदर तो छोटा वाला फैक्टर आंसर होता है, या फिर आपको ये छोटा वाला फैक्टर की बात समझ में नहीं आ रही तो एक्स मान के कर लेना साहब। लेकिन दूसरी बात, मैंने माइनस वाले में ये भी बोला था कि अगर माइनस का साइन आ जाए तो इनफाइनाइट में होता है, डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात, यहाँ तो प्लस साइन है, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा नहीं। लेकिन आप देखिए इस एफ एक्स का मीनिंग क्या है, एफ एक्स का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो नंबर होगा वही नंबर यहाँ आना चाहिए हर बार। तो यहाँ आपको पहली टर्म क्या कह रहा है, टू, टू अगर यहाँ पे कह रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी टू लिखेंगे। आपका क्वेश्चन ये हो गया, देखो टू अपॉन वन प्लस टू अपॉन वन प्लस टू अपॉन, इस तरीके से, इसी तरीके से अगर छः लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, छः बटे एक प्लस छः बटे एक प्लस छः बटे एक प्लस इन्फाइनेट चलता रहेगा। बारह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बारह बटे एक प्लस बारह बटे एक प्लस, इसी तरीके से इन्फाइनेट चलेगा क्या, इसी तरीके से आपके पास शॉर्ट टर्म्स आ जाएगी। अब आप इसका आंसर बताओ, मैंने कहा था ना डायरेक्ट तरीका डिवाइड वाली सीरीज में आप दो लगातार फैक्टर करेंगे और छोटा वाला आंसर, तो दो लगातार, एक के दो के दो लगातार फैक्टर क्या होते हैं सर, एक गुणा दो ही होता है, और छोटा वाला फैक्टर क्या होगा, एक गुणा दो में से एक, मतलब इसका आंसर क्या है, एक। इसका आंसर क्या होगा, छह के दो लगातार फैक्टर करेंगे सर, दो गुणा तीन, छोटा फैक्टर कौन है, दो, यानी आपका आंसर होगा इसका दो। इसका आंसर क्या होगा सर, दो लगातार फैक्टर हो गए तीन गुणा चार, यानी आंसर क्या आ रहा है, तीन, छोटा वाला फैक्टर यही है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ऊपर देखो, ये एक गुणा दो था इसलिए छोटा वाला फैक्टर एक, दो गुणा तीन था इसलिए छोटा वाला फैक्टर दो, तीन गुणा चार था इसलिए छोटा वाला फैक्टर तीन, ये क्या है, चार गुणा पाँच यानी छोटा वाला फैक्टर चार। तो कुल मिलाकर सर ये तो आप हमें पागल बना रहे हो, यहाँ हो क्या रहा है कि पहले वाले का आंसर आ रहा है एक, दूसरे का दो, तीसरे का तीन, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस, कहाँ तक, कितने टर्म है साहब, सौ टर्म्स है, तो कहाँ तक आ जाएगा, लास्ट में सौ। तो इसका मतलब ये तो हो गया सौ प्राकृत संख्याएं जोड़नी है सर एक से लेकर सौ तक की, और सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि सर एन एन प्लस वन अपॉन टू होता है, तो यहाँ पर एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है सौ, तो आप लिख दीजिए सौ गुणा एक सौ एक बटा दो, यानी आपका आंसर आ गया फिफ्टी फिफ्टी। बात समझ में आ रही क्या? तो देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है, लेकिन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये तरीके पता है डायरेक्ट सीरीज सॉल्व करने के, तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, धीरे धीरे हम रेगुलर क्लासेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके टॉपिक वाइज जो भी वीडियो शुरू होंगे वो कुछ ही अगली क्लासेस में टॉपिक वाइज शुरू हो जाएंगे, कुछ दिनों बाद आप टॉपिक से रिलेटेड पूरा पहले थ्योरी होगी आपकी टॉपिक से रिलेटेड, और उसके बाद में उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं या नए क्वेश्चन कुछ जो आ सकते हैं, नए क्वेश्चन आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से, तो वो भी हम लाने वाले हैं, तो आप बने रहें एक बार हमारे साथ। कुछ क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ आपके सामने एग्जाम के अंदर आया हुआ, एक सीजीएल 2015 मेंस का क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन क्या था,
कि यदि m इक्वल्स टू रूट फाइव प्लस रूट फाइव प्लस रूट फाइव प्लस इन्फाइनेट तथा n इक्वल्स टू रूट फाइव माइनस रूट फाइव माइनस रूट फाइव माइनस इन्फाइनेट है तो अब तो उसके बाद चार ऑप्शन थे आपके पास m और n के रिलेशन पर बेस। m और n के रिलेशन पर बेस मतलब ऐसे कुछ ऑप्शन थे इस तरीके से आपके पास कुछ ऑप्शंस थे जो आपको सॉल्व करने थे। ये चार ऑप्शन है मतलब कुल मिलाकर आपको m और n निकालना और उसका रिलेशन बताना था। अब आपको एक तरीका क्या है कि सर यहाँ पर फैक्टर तो हो नहीं रहे लगातार, फैक्टर होते तो आप बोल देते छोटा वाला फैक्टर आंसर बड़ा वाला फैक्टर आंसर, इसमें बड़ा वाला फैक्टर हो जाएगा प्लस से इस प्लस वाली सीरीज़ है, इसमें छोटा वाला फैक्टर हो जाता क्योंकि माइनस वाली सीरीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पाँच का फैक्टर ही नहीं हो रहा तो क्या करें। एक फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, याद करूँ क्या बताया था फॉर्मूला, याद आ रहा है क्या कुछ? 4x प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको प्लस माइनस वाली सीरीज के लिए। अब अगर ये फॉर्मूला बताया था तो आप ये कर सकते हैं कि सर इसमें 5 रख दूंगा, इधर से भी 5 रख दूंगा, इस सीरीज़ के लिए प्लस ले लूँगा, इस सीरीज़ के लिए माइनस ले लूँगा, m भी आ जाएगा n भी आ जाएगा और उसको माइनस या प्लस करके मैं आराम से रिलेशन निकाल लूँगा। लेकिन एक बात बताओ, आपको करने तो इस 5 के दो लगातार फैक्टर थे, ऐसे फैक्टर जिनके बीच का डिफरेंस एक हो, तो ये मुझे पता नहीं चल रहा तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि सर मुझे नहीं पता, मैंने ये मान लिया एक फैक्टर एक्स रहा होगा और दूसरा एक्स प्लस 1, मुझे नहीं पता वो फैक्टर क्या है, कुछ पॉइंट में आएंगे कुछ भी आए, लेकिन मैं ये मान लेता हूँ कि एक फैक्टर x रहा होगा और दूसरा फैक्टर x प्लस 1 रहा होगा, इन दोनों को गुणा करने से क्या आ रहा होगा? 5। अब मुझे ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर ये छोटा फैक्टर x है और बड़ा वाला फैक्टर x प्लस 1 है तो इस m का मतलब तो बड़ा वाला फैक्टर ही है ना, इसका मतलब m तो ये है और इसका आंसर n वाला फैक्टर n कौन सा होगा? छोटा वाला फैक्टर, क्योंकि सीरीज माइनस की, यानी ये n है सर। तो अगर m और n ये आ गए तो आप खुद सोचो अगर m में से n आप माइनस करोगे तो आएगा क्या? इन दोनों फैक्टर का डिफरेंस ही तो आएगा और इन दोनों फैक्टर का डिफरेंस कितना है? 1। यानी ये आंसर तो सर डायरेक्ट ही आ रहा है आपका, आंसर क्या हो जाएगा? B4 बॉय। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके पूरा वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वैल्यू निकाल के एक बार प्लस वाली एक बार माइनस वाली दोनों को माइनस करेंगे तब भी आपको आंसर 1 ही मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसमें वैल्यू पूछी नहीं गई है m के अलग से और n के अलग से, तो आपको पता है कि इस 5 के पता नहीं चल रहे फैक्टर तो भी आप ये मान तो सकते हैं सर 5 के कोई भी दो फैक्टर रहे होंगे जिनके बीच का डिफरेंस एक रहा होगा, और अगर बीच का डिफरेंस एक रहा होगा तो इसमें तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर है, इसमें छोटा वाला फैक्टर आंसर है, यानी अगर इस m में से n घटाऊंगा तो आंसर तो एक ही आएगा क्योंकि फैक्टर का डिफरेंस तो एक ही होना चाहिए, तो इसलिए m माइनस n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका आंसर? 1। बात समझ में आ रही क्या? बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं अपन अभी शुरू की क्लासेस में। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपके सामने और ले रहा हूं इन्फाइनाइट सीरीज के, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपका 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 प्लस इन्फाइनाइट। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस 3 बाय 4 प्लस 9 बाय 16 माइनस 27 बाय 64 इन्फाइनाइट। ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं मान लीजिए। तो अगर ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो आप देखिए यहाँ पर रिपीटेशन वाली ऐसी कोई बात तो है ही नहीं, यहाँ तो हर टर्म अलग अलग नज़र आ रहा है आपको, तो इसका मतलब इस सीरीज़ में कुछ ना कुछ पैटर्न तो यहाँ पर भी ज़रूर नज़र आ रहा होगा आपको। एक आप पढ़ते हैं इन्फाइनाइट जीपी, एपी और जीपी पढ़ेंगे साहब आप, एपी जीपी समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो इन्फाइनाइट जीपी अगर आपने पढ़ा हो पहले कभी भी, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, तो इसमें जो इन्फाइनाइट जीपी के सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स होता है वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पर आपका ए तो होता है प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब फर्स्ट टर्म, और आर होता है कॉमन रेशो, कॉमन रेशो का मतलब सार्व अनुपात। अब आपको ये अगर पता है तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर यहाँ हो क्या रहा है, इसको 1 बाई 2 से गुणा किया तो ये आ गया, इसको फिर से 1 बाई 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 बाई 2 से गुणा होता जा रहा है हर अगला टर्म, तो इसका मतलब 1 बाई 2 से गुणा होता जा रहा है तो कॉमन रेशो तो कितना आ गया आपका, आर तो आ गया 1 बाई 2, और पहला पद प्रथम पद क्या है साहब? एक,
और ये कैसी सीरीज है? इन्फाइनाइट। इसका मतलब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं एस इन्फाइनाइट का, एस इन्फाइनाइट ए अपॉन वन माइनस आर, ए का वैल्यू वन है, अपॉन वन माइनस आर की जगह वन बाई टू लिखेंगे, वन में से वन बाई टू माइनस करेंगे तो साहब वन बाई टू ही रहेगा, और वन बाई टू का टू ऊपर शिफ्ट कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा? दो। समझ रहे हैं क्या बात को? इसको देखिए साहब, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला टर्म है वन, सेकेंड टर्म माइनस थ्री बाई फोर। अगर आप इस ऊपर वाले को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये तीन गुणा होता जा रहा है सर, एक से गुणा तीन ये हो गया, गुणा तीन ये हो गया, गुणा तीन ये हो गया। नीचे क्या कर रहा है, ये चार गुणा कर रहा है। इस देखिए, इसके बटा में आप एक तो एज्यूम कर सकते हैं ना, कुछ नहीं है तो, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गुणा चार हो रहा है, गुणा चार हो रहा है, गुणा चार हो रहा है, लेकिन एक यहाँ प्रॉब्लम है कि साइन भी बदल रहा है, माइनस प्लस ऐसा हो रहा है। इसका मतलब हुआ क्या कि आप आर निकालें, मैं बोलूँ एक को किससे गुणा करने से ये आ रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर माइनस के तीन बटा चार से, और अब माइनस के तीन बटा चार को फिर माइनस के तीन बटा चार से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का नौ बटे सोलह, फिर इसको माइनस तीन बटा चार से करूंगा तो अगला टर्म माइनस का आ जाएगा। यानी ये भी एक आपकी इन्फाइनाइट जीपी है, और यहाँ पर ए क्या हो जाएगा फिर से, एक ए मतलब प्रथम पद। तो फॉर्मूला आप जानते हैं एस इन्फाइनाइट का क्या होता है साहब, ए अपॉन वन माइनस आर, ए का वैल्यू वन है, अपॉन वन माइनस आर का वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस का थ्री बाय फोर, ये हो गया वन अपॉन, प्लस हो जाएगा वन प्लस थ्री बाय फोर, तो फोर एलसीएम लेंगे तो नीचे तो फोर प्लस थ्री सेवन हो जाएगा, और ये फोर ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ गया फोर बाय सेवन। तो आप इन्फाइनाइट टर्म्स को सॉल्व कर सकते, तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या आ गया, फोर बाय सेवन। तो इस तरीके से आप ये इन्फाइनाइट जीपी के क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसको अपन कंटिन्यू करेंगे जब एपी जीपी पढ़ेंगे, तब इसको और डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो आज के वीडियो में हमने इन्फाइनाइट सीरीज पढ़ा, अगली क्लासेस में फिर से हम कुछ एक दो शॉर्ट वीडियो डालेंगे, उसके बाद रेगुलर शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।